तो जी ये आ चुकी है हमारी पानी पूरी। तो ये हमें 8 गोलगप्पे पड़े हैं $8 के, अगर INR में कन्वर्ट करोगे। मुझे पता है इन तीनों चीजों में से सिर्फ एक ये चीज अच्छी लग रही है। So what's up guys, welcome back to our channel Swatanya Vlogs। कुछ दिन पहले हमने एक समोसे वाली वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और कुछ लोगों को नहीं भी आई थी। खैर कोई बात नहीं, तो आते हैं आज की वीडियो पे। तो आज की वीडियो में भी हम आपको एक ऐसी खाने की चीज का प्राइस बताने वाले हैं जिसे देखकर आपके मुंह में ना पानी आ जाएगा। मुझे तो बस सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो चलते हैं जल्दी से। वैसे तो यहाँ पे चाट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हम थैंकफुल हैं कि हमें USA में इतने सारे चाट के ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट आज हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ गोलगप्पों की चाट पे। तो जल्दी से ऑर्डर करते हैं। तो जी ये आ चुकी है हमारी पानी पूरी। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको दिख ही गया होगा। अब जैसे अपने इंडिया में होता है, भैया को बोलते हैं भैया सोंठ ज़्यादा दे दो, भैया चटनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दो गोलगप्पे में, और मस्त आपको गोलगप्पे मिलते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा मतलब अनहेल्दी होता है, बट मज़ा तो यार उसी में ही आता है। बट खैर अभी हम USA में हैं और यहाँ पर लेबर जो है वो बहुत महंगा होता है, तो लेबर वाली मेहनत जो है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो ये प्लेट में सामग्री दे दी है, गोलगप्पे में आलू डाल दिए, इसमें अपने स्वाद अनुसार चटनी डालो और उसको पानी में डुबो और खाओ। मतलब पैसे भी दो और मेहनत भी खुद ही करो। खैर अब प्राइस की बात उठी गई है तो इसका प्राइस आपको बताते हैं, जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये हमें 8 गोलगप्पे पड़े हैं $8 के, अगर INR में कन्वर्ट करोगे तो 640 का, यानी कि एक गोलगप्पा आपको पड़ा 80 रुपए का। और इतने में अगर हम इंडिया में गोलगप्पे खाए ना, तो दो लोग आराम से पेट भर के मन भर के गोलगप्पे खा लेंगे। अब यार ये इतने महंगे गोलगप्पे हैं, तो चलो इनको टेस्ट करके देखा जाए कि क्या ये हमारे इंडिया वाले गोलगप्पों को बीट कर सकते हैं या नहीं। चलें करें स्टार्ट। तो जी उठाया हमने एक गोलगप्पा और ये डालेंगे इसके अंदर चटनी। वैसे पहले गोलगप्पा में देखोगे ना तो आलू को मैश्ड करके डाला हुआ है इन्होंने अलग से, तो अपने इंडिया में जैसे अलग से आलू के क्यूब्स करके डालते हैं और छोले वगैरह पड़े रहते हैं, वैसा नहीं है। तो ये गई जी चटनी और ये गया इसमें पानी। ओ करा जाए टेस्ट, जय माता दी। मतलब पहली बात तो ये ना आटे के गोलगप्पे हैं, तो यहाँ पे ना आपको सूजी वगैरह ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो हमको सिर्फ आटे वाले गोलगप्पे मिलेंगे जो कि मुझे कतई नहीं पसंद। ठीक है, तो वो तो हो गया पहले चीज़। दूसरी चीज़ कि वो जो आपने देखी लिया अंदर की जो फीलिंग्स है ना गोलगप्पे के अंदर की, जो पूरी के अंदर की जो फीलिंग्स है वो बकवास है। तीसरी चीज़ ये जो पानी है, तो ये पानी पता है ऐसा है कि इन्होंने बहुत सारी मिर्ची ली है, उनको पीसा है और उसमें पानी भर के दे दिया। मतलब इतना तीखा पानी है ये, और कोई टेस्ट वेस्ट है नहीं इसके अंदर। मतलब थोड़ा बहुत जलजीरा जैसा टेस्ट आ रहा है, बट मोस्टली जो है ना वो मिर्ची का टेस्ट है। मतलब अगर मैं संक्षेप में बताऊं आपको, तो मैं इस गोलगप्पे के 1 रुपए भी ना दूं, ऐसा टेस्ट है इनका। तो अब आती है मेरी बारी। वीर ने बताया इसमें वैसी मिर्ची है, मुझे तो वैसी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो मुझे तो और भी ज़्यादा मिर्ची लगेगी, तो मैं इसलिए चटनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि मेरे को ना मिर्ची कम लगे, और मैं पानी थोड़ा सा ही डालूंगी। अब इसको करते हैं ट्राई। इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ पानी में सिर्फ मिर्ची मिर्ची का टेस्ट आ रहा है और कुछ है ही नहीं है इसमें, और कुछ मुझे तीखा ज़्यादा लगता है, मुझे तो बहुत ही तीखा लग रहा है। पर यहाँ पे पानी का भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको मीठा पानी मिलेगा या खट्टा पानी मिलेगा, एक ही टाइप का पानी है, इसी में ही काम चलाओ। एक गोलगप्पा टेस्ट करने के बाद ही मुझे समझ नहीं आया कि बाकी के गोलगप्पे जो है
ये ख़त्म कैसे करेंगे क्योंकि दोनों को ही पसंद नहीं आए और ऊपर से मुझे तो मिर्ची इतनी ज़्यादा लग रही है, बट इसमें क्या करें, पैसे लगे हुए हैं, ख़त्म तो करने ही पड़ेंगे। चलो भाई साहब ख़त्म करें इसको, हैं बहुत मिर्ची है। तुम तो खाते हो मिर्ची, खाओ और खाओ। इसमें ज़्यादा है। सारी इसने बूंदी बूंदी भर ली, पानी एकदम मस्त छोटा सा भरा है। देख मैं एक और खाऊंगा, उसके बाद सारे तीनों तेरे। लड़कियों को गोलगप्पे पसंद होते हैं पता तुझे, तुझे खाने चाहिए गोलगप्पे, लड़कियां बहुत गोलगप्पे खाती हैं। गोलगप्पे अच्छे भी होने चाहिए उसके लिए। मुझे ऐसा खट्टा वाला पानी पसंद है, ऐसा तीखा वाला पानी नहीं खा सकती मैं। मुझे पता है इन तीनों चीज़ों में से सिर्फ एक ये चीज़ अच्छी लग रही है। बहुत अच्छे तो जी ये आ चुकी है हमारी सेव पूरी। तो ये भी एक गोलगप्पों की चाट है जो बहुत फेमस है मुंबई में। तो यहाँ पर ये दूसरी चाट है गोलगप्पों की। तो ये पड़ी हमें यहाँ पर $9 की, और अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें पड़ेगी कुछ 720 रुपए की, और इसमें हमें मिल रही है 7 पूरी, मतलब कि 7 गोलगप्पे, यानी कि एक गोलगप्पा आपको पड़ा 102 रुपए का। बाप रे, इतने में तो पूरा परिवार खा ले। तो जल्दी से अब इसको टेस्ट करते हैं क्योंकि मेरे मुँह में पानी आ रहा है। इसका टेस्ट तो मुझे सही लगा, बट इसमें थोड़ी सी हरी चटनी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा ना तीखा लग रहा है, अदरवाइज टेस्ट इज़ गुड। सो थम्स अप टू दही पूरी, इसने इतना निराश नहीं किया, काम चला सकते हैं इससे। तो जी अब मेरी बारी है टेस्ट करने की, और मैं आपको बताता हूँ इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है या फिर इसका वर्थ है इसको लेना या नहीं। तो सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारी सेव दे दी है, तो मुझे लग रहा है इसको ना बचा के घर भी ले जा सकते हैं, चाय के साथ खाने में मज़ा आएगा है। तो पहले हम ऐसे पूरी सेव इसकी निकालेंगे। बाय द वे उन्होंने यहाँ पे वो भी दिया बीट रूट, तो आपको अगर हेल्दी चीज़ें खानी है तो बीट रूट भी खा सकते हो। चलो टेस्ट करते हैं। मतलब इन्होंने क्या करा, दही लिया है। मेरे को नहीं पता दही पूरी कैसी होती है क्योंकि मैंने इतनी खाई नहीं है, बट इन्होंने सिर्फ दही लिया, दही के अंदर पूरी एकदम, अरे कहना क्या चाहते हो, दही कह रहा हूँ, पूरी ली है, पूरी के अंदर इन्होंने दही डाल दिया, तो बस वो टेस्ट आ रहा है और बाकी और कोई टेस्ट नहीं है। मतलब थोड़ा सा दही में मीठापन तो है, और जो हरी चटनी ना वो थोड़ी सी कड़वी है, तो इसलिए से ना टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जा रहा है। बट हाँ $9 के हिसाब से इसके लिए $9 इसके लिए देना वो मुझे वर्थ लग नहीं रहा है, बट ठीक है काम चला सकते, पर मिल रहा ना तो बहुत है। तो जी दही पूरी तो पूरी ख़त्म हो गई है, बट इसको देखो पूरे पैसे वसूल रही है, जो सेव बचा था ना वो भी नहीं छोड़ रही है, हैं? मैंने पूरे $9 दिए हैं इसके, तो ऑब्वियसली मैं ये क्यों छोड़ूं प्लेट में? भाई साहब इसे कहते हैं ट्रू इंडियन। सब चाट जाएगी, प्लेट भी चाट जाएगी। हाँ, ये बिस्कुट रखे दो पाले जी के, ये भी, ये तुम्हारी चाय के साथ तुम खाओगे। ये क्या खाती हुई आ रही है? सेव। ओ भाई जो बच गई थी वो, और क्या भाई साहब, नेक्स्ट लेवल इंडियन निकली तो यार पूरे पैसे वसूल के जाऊंगी। भाई जब तक ये सेव अपनी खत्म करती है तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना यार, एंड अगर आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस हम बनाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ना बताना हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे, कौन से खाने को लेकर वीडियो बनाए, नेक्स्ट हम कौन सा खाना ट्राई करें। हाँ, और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको भी दबाना, दबा देना मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। बाय।